हेलो मेरे प्यारे सिस्टर, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः आप लोग के बीच हम आ चुके हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ANM पहले से काम कर रही है कहीं पर उनके लिए, या जो ANM 8853 में ज्वाइनिंग किए हैं उन सारे के लिए। खास करके ये जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा ANM 8853 वाले के लिए, क्योंकि ANM 8853 वाले के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अब आपने नौकरी ANM का प्राप्त कर लिए, अब आप लोग को ड्यूटी करना है। ड्यूटी में क्या करने होते हैं वो इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको यहाँ पर शेयर कर देते हैं, जो कि ऑफिशियल जानकारी है। और ये PDF हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे, जिससे आप लोग अपने पास प्रिंट आउट करा करके या अपने मोबाइल में रखे रहिएगा, क्योंकि आपको इन्हीं की हेल्प करके आप लोग को कार्य करना होगा, क्योंकि यही कार्य ANM के द्वारा किए जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग गौर से देखिए, थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन बिल्कुल रूप से देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी आप लोग को रहेंगे तो आप लोग को नौकरी करने में, ड्यूटी करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होंगे। जैसे कि आपको बता दूं, संशोधित राष्ट्रीय टीकाकरण तालिका 2022-23, यानी कि 2022 तो अब खत्म हो रहे हैं, 2023 के लिए भी ये टीकाकरण की तालिका है। जो टीकाकरण दिए जाते हैं, टीका दिए जाते हैं, वो आपको जन्म से लेकर के 15-16 वर्ष के बच्चों तक का, उन सारे टीकाकरण का यहाँ पर लिस्ट जारी किया गया है। ये लिस्ट हम आपको दिखा देते हैं, 16 वर्ष के बच्चों तक के लिए यहाँ पर लिस्ट जारी किए गए हैं, जिससे कि आपको कोई भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी। हम आपको समझा देते हैं कैसे कैसे टीकाकरण लगाना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और सबको शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो, क्योंकि ये ड्यूटी वाला है। आप लोग को क्या कार्य करना है, कैसे करना होता है ANM को, वो सारी चीज़ हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से हम लोग देख लेंगे शिशुओं के लिए, बच्चे के लिए क्या टीका देना होता है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। फिर यानी कि उसके बाद गर्भावस्था में जो महिलाएँ होती है उनके लिए यहाँ पर हम बात करेंगे। शिशुओं के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो शिशु के लिए जब से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देख लो, जन्म के तुरंत बाद, यानी कि जैसे ही जन्म लिए बच्चे, यानी कि 24 घंटा के भीतर आप लोग को टीका लगाना है। कौन सा टीका लगाना है, तो हेपेटाइटिस बी का टीका लगाना है। इसका खुराक क्या होगा, तो जन्म के समय की खुराक, जन्म के समय की जो खुराक होता है उतना ही देना है, और मात्रा रहेगा 0.5 ml, ठीक है, 0.5 ml मात्रा देंगे उसके खुराक में। और कहाँ पर देना है, तो बाई मध्य के जांघ के आगे और बाहरी हिस्से में, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। मेन है यहाँ पर टीका कौन सा, हेपेटाइटिस बी, मात्रा 0.5, और स्थान याद रखिएगा तो बाई मध्य जांघ के आगे और बाहरी हिस्से में आप लोग को देना है ये टीका 24 घंटा के अंदर जब जन्म लेते हैं बच्चे तब। ये कंप्लीट हुआ, उसके बाद यहाँ पर दूसरा टीका लगेगा 15 दिन के भीतर, जब जन्म के 15 दिन के भीतर आप लोग को पोलियो का एक टीका लगाना है, जो कि आपको 2 बूंद देना है, ओरल होता है, ठीक है, और मुंह में देना है, ठीक है, ये 2 बूंद देना है, कहाँ, मुंह में देना है पोलियो का, ठीक है। अब इस खुराक का नाम है 0 खुराक। उसके बाद जन्म के तुरंत बाद 1 वर्ष की उम्र तक, यानी कि जब बच्चे 1 वर्ष की उम्र तक के हैं, तो उस स्थिति में BCG का टीका लगेगा। अब ये BCG का टीका जो है 0.05 ml लगता है, और बाई बाँह के ऊपरी भाग में लगता है, जब बाई बाँह के ऊपरी भाग में, ये स्थान याद रखिएगा, उल्टा पुल्टा कहीं मत लगा दीजिएगा। और यहाँ पर मात्रा क्या होगा, 0.05 ml, ठीक है, ये 1 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू होंगे। उसके बाद 6 सप्ताह, यानी कि 1.5 माह पर, अब यहाँ पर 1.5 माह पर अब जब बच्चे होंगे, 1.5 माह पर जो लगाने वाला यहाँ पर टीका होता है वो पोलियो होता है, रोटा वायरस होता है, IPV होता है, PCV होता है, और पेंटावेलेंट होता है। इन सारे का खुराक 2 बूंद, 5 बूंद, 0.1 ml, 0.5 ml, 0.5 ml, ठीक है, मिली करके है। और ये आप लोग को ओरल वाला मुँह में देना है, बाकी जो है दहिने बाँह के ऊपरी भाग में देना है। तो इस तरह से ये टीका आप लोग को लगाना है। अगला टीका है 10 सप्ताह पर, यानी कि पहली खुराक के 4 सप्ताह के अंतराल पर, यानी कि 2.5 माह पर, ठीक है, 2.5 माह पर आप लोग को यहाँ पर देने वाला। तो पोलियो, रोटा वायरस और पेंटावेलेंट, ये सारे टीका यहाँ पर लगते हैं। ओरल वाला मुंह में देना है, पहले हम बता दिए हैं, जो कि 2 बूंद, और ये जो है रोटा वायरस, ये 5 बूंद लगता है, ये चीज़ आपको देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं 14 सप्ताह पर वही लगेगा, पोलियो, रोटा वायरस, IPV, PCV और पेंटावेलेंट। तो पोलियो तो 2 बूंद ओरल होता है, जो कि मुंह में देना है, फिर आपको रोटा वायरस 5 बूंद ओरल होता है, मुंह में देना है, बाकी ये जो खुराक होता है वो 0.1 ml, 5 ml और 5 ml करके देना है, यानी कि 0.5 ml करके, ये दहिने बाँह के ऊपरी भाग में देना है। तो ये दहिने बाँह के ऊपरी बाँह में ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ओरल वाले को मुँह में देना है। उसके बाद दोस्तों 9 माह पर विटामिन AMR PCV ये सारे खुराक देंगे। तो उसके बाद दोस्तों फिर बता दो, ओरल होता है पहली खुराक, जैसे कि विटामिन ए ओरल हुआ, ये मुंह में देना है, MR पहली खुराक 0.5 ml,
जो कि दाहिने बांह के ऊपरी भाग में देना है। और इस तरह से IPV तीसरी खुराक जो होगा वो आप लोग को बाएं बाजू के ऊपरी हिस्से में देना है। देखिए बाएं बाजू और दाहिने ये दोनों याद रखिएगा, उल्टा पुल्टा मत करिएगा। उसके बाद 16 से 24 माह के बीच में विटामिन ए देना है जो कि 2 ml देना है मुँह में। उसके बाद पोलियो बूस्टर खुराक होगा जो कि 2 बूंद देना है मुँह में। और DPT का टीका लगेगा वह आपको इस तरह लगेंगे। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूरा डिटेल्स है। तो आपको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से भी आप लोग जानकारी ले सकते हो। अब ये हो गया, अब यहाँ पर बात करेंगे गर्भवती महिलाओं के लिए। गर्भवती महिलाओं के लिए टीका लगेगा गर्भावस्था के प्रारंभिक महीने में, जब वो गर्भावस्था है प्रेग्नेंट है तो पहली महीना में 0.5 ml लगेगा मांसपेशी के माध्यम से। स्थान कहाँ रहेगा तो ऊपरी बाँह में। उसके बाद TD, ठीक है, TD2 ये लगेगा 1 से 4 सप्ताह के बाद जब प्रेगनेंसी स्थिति में रहेंगे। 5 ml मांसपेशी में लगेंगे ऊपरी बाँह में, ठीक है। उसके बाद बूस्टर डोज यदि गर्भ पिछले टीकाकरण के 3 वर्ष के भीतर ठहर गए हो, ठीक है, तो 0.5 ml के लगा सकते हैं ऊपरी बाँह में। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे और इस तरीके से आप लोग अपना ड्यूटी के टाइमिंग में इस पॉइंट को कवर करके आप लोग यहाँ पर ये जो टीकाकरण है इसका इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिनांक 1/1/2023 से 9 से 12 माह के आयु के समस्त बच्चों को MRT के प्रथम डोज के साथ साथ IPV के अतिरिक्त डोज बाएं बाजू के ऊपरी हिस्से में दिया जाए। यानी कि इस चीज़ को देखिएगा, जब 9 से 12 माह के बच्चे हो जाएंगे तो MR का जो टीका होगा उसका प्रथम डोज और IPV का जो होगा उसका डोज बाएं बाजू के ऊपरी हिस्से में देने दीजिएगा। ये 1 जनवरी 2023 से लागू हो रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये डोज यहाँ पर सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं जो कि राष्ट्रीय टीकाकरण तालिका 2022-23 इसे खा जा सकता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद रखते हैं कि आपने पूरी कंप्लीट जानकारी समझ गए होंगे। आपको हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको आप लोग गौर से खुद से भी पढ़िएगा जिससे कि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो। और बिल्कुल इसे कॉपी पर लिख लीजिए, याद कर लीजिए, मोबाइल में रखिए, जहाँ हो सुरक्षित रखिएगा। इसे देख देख करके भी आप लोग यहाँ पर अपना ड्यूटी कर सकते हो, अपना काम निपटा सकते हो। चलिए इसी तरह की नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो और भी सिस्टर को शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको भी पूरी कंप्लीट जानकारी यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर के आएंगे। और दोस्तों कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है, कोई प्रश्न हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, उसका जवाब हम आपको दे देंगे।